नतीजों के बीच आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान सामने आया जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे, फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ा है और ये जीत भी बड़ी है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वो विजयी हुआ जम्मू कश्मीर चुनावों में, और अब जम्मू कश्मीर के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो उमर अब्दुल्ला होंगे, फारूक अब्दुल्ला के बेटे। फारूक अब्दुल्ला ने खुद ऐलान किया है इसका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और सरकार बनाने की जो कोशिशें होंगी वो आगे बढ़ेंगी। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, सुनाते हैं आपको। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है, लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? मामे, एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेगारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है, उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि हरियाणा की जहां बात करें तो 90 में से 48 पर बीजेपी आगे साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 36 जाती नजर आ रही है। जेजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है, जबकि आईएनएलडी के खाते में 2 और आम आदमी पार्टी भी का भी खाता नहीं खुल पाया है, जबकि अन्य के खाते में 4। फिलहाल रुझानों के मुताबिक इस वक्त के हरियाणा के ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे कर रहा है, आगे सरकार बनाते हुए दिख रहा है। 49 सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी 27 सीटों पर, पीडीपी 4 और अदर्स के जो अन्य के खाते में है वो 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो 90 सीटों का इस वक्त हाल है, जो ट्रेंड है वो सामने आ चुका है। और इस बीच नतीजों के ही बीच बीजेपी से इस वक्त का सबसे बड़ा और लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, क्योंकि सीएम सैनी की अमित शाह से हुई बातचीत को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें सीएम सैनी की जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है और खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक जिस तरीके से हो रही है, हमारे सहयोगी इस बैठक पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि खट्टर के घर पर पिछले 1.5 घंटे से जारी बैठक को देखते हुए खबर बड़ी है कि आखिर किस तरीके से इस वक्त हरियाणा चुनाव के रुझान सामने, नतीजों के बीच बीजेपी से ये इस वक्त का अपडेट है, जहां सीएम सैनी की अमित शाह से बात और सीएम सैनी की थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा के साथ हुई बात और साथ ही खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान की हो रही बैठक को लेकर इस वक्त की खबर। और आपको बता दें कि नतीजों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बहुत बड़ा बयान आ गया, कांग्रेस रणनीति पर विचार करे अपनी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है बीजेपी के साथ, जब सीधी लड़ाई होती है बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस इस बार हरियाणा में कमजोर पड़ गई। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई है, बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे डन वेल। तो सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर आखिर हो क्यों जाती है, एक्सपर्ट से इसको लेकर करें सवाल। उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर और सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जम्मू से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय पर जश्न का दौर लगातार जारी है। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस हेडक्वार्टर जम्मू में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं विक्ट्री के साइन के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आज नतीजे आए हैं और इन नतीजों से साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए मिठाइयाँ और यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है। 10 साल ये मौका बाद आया है, मौका बहुत ही जबरदस्त, और ये जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया उनका
कल जनता ने जवाब दिया, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन रही है उसके प्रोफेशनल प्रेसिडेंट जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। खुशी है, आज आपका दिन है, सरकार बनाने जा रहे हैं आपको। ये लोगों की सरकार है, सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सड़ी बैठी मुझी की हो रही है, ये आज डॉक्टर फारूक साहब की, उमर साहब की और नेशनल देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप पटाखे जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। दो लकड़े यहाँ पर बच चुके हैं। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से नाचती गाती हुई नजर आ रही है, तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे, कितने खुशियां। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं पूंछ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अजाज जान को भारी बहुमत से जगाया और जम्मू कश्मीर की जनता का